everybody. So I'm finally in the National Orchid Garden of Singapore. और यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज हैं ऑर्किड्स की, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ. अभी तक मैं अंदर गई नहीं हूँ. $15 का टिकट है, विच कन्वर्ट्स टू 1000 रुपीज. और आप सबको मैं अंदर लेकर के चलती हूँ. सीनियर सिटीजन के लिए जस्ट $3, तो 180 रुपीज. बट बाकी सबके लिए इट इज 1000 रुपीज. तो डेफिनेटली मैं, मेरे मम्मी पापा, हम तीनों इसमें घूमने वाले हैं. और चलिए आपको दिखाते हैं कैसी वहाँ वैरायटीज हैं. बाहर से हमें दिख रहा है कि अंदर से पता नहीं क्या क्या होने वाला है. ये देखिए, पिंक कलर के ऑर्किड्स, ऑरेंज, वेरी ब्राइट कलर. देन वी हैव द ग्रीन और द रेड्स, काफी सुंदर येलो वाले भी हैं, पर्पल है. तरह तरह के ऑर्किड हैं. ऑर्किड की जड़ों में ऐसे ऐसे इंसानों के बाल लगे हुए हैं जिस तरह से यहाँ पर सारे के सारे लगते हैं. ये नॉर्मल बात के ऑर्किड्स भी यहाँ पर लगते हैं, क्योंकि इंडिया में काफी हमें देखने को मिलते हैं. मुझे काफी अच्छा लगा. लिए जितनी देर लाइन लग रही है टिकट के लिए, उतनी देर मैं आपको यहाँ आसपास में दिखाती हूँ. दिस इज टाइगर ऑर्किड, नोन टू बी द लार्जेस्ट ऑर्किड इन द वर्ल्ड. द ब्राइटली कलर्ड टाइगर ऑर्किड blooms only once every 2 to 4 years, but can remain in bloom for up to 2 months. Wow! इन्होंने गोल्ड का ये बना रखा है. इतना बड़ा ऑर्किड का फ्लावर होता है ये, बिगेस्ट, और 2 months तक ये खिला हुआ रहता है. देन वी हैव अ स्मॉल सुवीनियर शॉप, देयर्स अ गार्डन शॉप. और यहाँ से ही हमें पता पड़ेगा कि हम अंदर क्या क्या देख पाएंगे. As usual, my always companion Papa is waiting to go into the orchid garden of Singapore. यहाँ से ही बहुत सुंदर लग रहा है. बहुत तरह तरह के अलग अलग साइजेस के फ्लावर्स यहाँ पर खिल रहे हैं. तो हमने यहाँ पर पूछा तो इन्होंने बोला 45 मिनट्स पूरे उसमें लगेंगे, लेकिन 45 मिनट्स में नहीं लगा पाऊंगी. तो कहते फ्लावर, सबसे पहले मुझे ये ही ऑर्किड यहाँ पर दिखे हैं. बहुत बड़ा पार्क है, 45 मिनट्स लगेंगे. और मेरे ख्याल से 1000 रुपये तो कम ही टिकट है इतने सुंदर पार्क के लिए. दिस इज द एंट्रेंस. यहाँ सिंगापुर में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि जैसे इंडिया में कैमरा के लिए अलग से टिकट लगता है हर जगह, यहाँ पर कैमरा के लिए कोई भी अलग से टिकट नहीं है. यू आर फ्री टू टेक योर कैमराज इन. हर थोड़ी दूरी पे इतने सुंदर और इतनी वैरायटी ऑफ ऑर्किड्स हैं यहाँ पर. दूसरी तरफ घूमते हैं. पर्पल और लाइट पर्पल का दिस इज हाउ वी वॉक. और आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ 45 मिनट्स की वॉक है. बहुत ही कमाल.
ये बहुत ही सुंदर कोई पत्ते हैं जो कि यहाँ पर हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। मैंने ना कोयला डाल रखा है सारे ऑर्किड की जड़ में। तो बेसिकली जो कोयला होता है दैट वो रूट रॉटिंग से बचाता है किसी भी प्लांट को। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर और इस पानी को देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे एक बहुत सुंदर स्पॉट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये सारे ऑर्किड्स हैं जो कि इस तरीके से पेड़ों पर लगाए गए हैं। Oh, this is beautiful. वैली sort of है इसको देखिए आप। इसमें जगह जगह सारे में ऑर्किड्स लग रहे हैं। अलग अलग कलर्स, छोटी छोटी जगह पे इन्होंने थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे सब कुछ बना रखे हैं। बहुत सारे प्लांट एंथुजियास्ट्स हैं जो यहाँ पर घूम रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के। ये देखिए अभी कुछ अलग ही कलर है। Dendrobium Amitabh Bachchan. This is a variety dedicated to Amitabh Bachchan. So Indians have dominance in a lot of countries. हम मलेशिया गए वहाँ पर भी इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और यहाँ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सारे में जो ऑर्किड लगाए गए हैं उनको ऐसे डंडों से लगा के और वायरिंग करी गई है। बीच बीच में वायर आप देख सकते हैं जैसे कि आराम से ऑर्किड जो हैं यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन में खड़े रहें। सब जगह यही कर रखा है। दो आयरन रॉड्स लगाई हैं दोनों तरफ, बीच में हॉरिजॉन्टल वायर्स जा रहे हैं। एक और फाउंटेन, फ्यू मोर ऑर्किड। देखिए यहाँ पर ऑर्किड्स ऐसे पेड़ पे लग रहे हैं। पापा ने बताया यहाँ ऐसे सुंदर जगह नहीं है तो
हम चलते ही हैं कि यहाँ क्या है। लुक एट दिस, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कितने फोटोज खींचूं और क्या करूं, बिकॉज दिस इज अ पैराडाइज इन ट्रू सेंस। देखिए इस तरह से ऑर्किड की जड़ें हैं जो कि पेड़ों में चिपक जाती हैं, पेड़ों के तने में, और आपको वाइल्ड में जब भी कहीं ऑर्किड लगते हुए दिखेंगे तो वो ऐसे ही दिखेंगे। ये बहुत सारे एयर प्लांट्स हैं जो कि यहाँ बहुत अच्छे से यहाँ पर सरवाइव कर जाते हैं। फिलोडेंड्रम्स, पानी बहता हुआ, इतने तरह के प्लांट्स हैं यहाँ पर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँ और क्या छोड़ूं। यहाँ पर एक पूरा ग्रीन हाउस बना हुआ है। मुझे रास्ते में दिख गया, कांट हेल्प इट। सो वी आर गोइंग टू अ ग्रीन हाउस नाउ। जो कि एसी है पूरा और उसमें और ज्यादा, दिस इज द सेम्ब्रोक कूल हाउस जिसमें हम घुसने वाले हैं। यहाँ बहुत ठंडा है, इतनी फ्रेश मॉस लाइट ग्रीन कलर की। जगह जगह ऑर्किड्स खिलते हुए, और यहाँ अंदर आते आते तो ऑर्किड्स का कलर भी ब्राइट हो गया है और साइज इतना बड़ा हो गया। छोटे छोटे भी कुछ फ्लावर्स हैं। इन्होंने सब जगह जहाँ मैंने देखा है, इन्होंने छोटी छोटी जो बटरफ्लाई क्लिप्स होती हैं जिनको हम लोग क्लचर्स बोलते हैं, उनसे इन्होंने ऑर्किड्स को क्लिप कर रखा है सब जगह। तो ये था नेशनल ऑर्किड गार्डन सिंगापुर का। इसमें इतनी ज्यादा वैरायटीज ऑफ ऑर्किड्स हैं जिसे मैंने कभी कहीं नहीं देखी, एंड दे आर नेचुरली ग्रोइंग इन ऑल थ्रू द गार्डन। 45-23 ऑर्किड्स यहाँ पर की रेड, पर्पल, ऑरेंज, व्हाइट सब तरीके के ऑर्किड दिखाई दिए। एक वैरायटी थी जो कि अमिताभ बच्चन जी को भी उनके नाम पे उसका नाम रखा गया था। सो आई हैड अमेजिंग फन विजिटिंग दिस नेशनल ऑर्किड गार्डन सिंगापुर।
और ये खाने को अगर आपको ट्राई नहीं किया है तो प्लीज ट्राई, और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और आपका कौन सा फेवरेट ऑर्किड फ्लावर था। कमेंट का मैं वेट करती रहूंगी आप सबके, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय।